हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। लाइव सिटीज न सिर्फ ताजा तरीन खबरें आप तक पहुंचाता है, बल्कि जीवन के लिए कई उपयोगी जानकारियों से भी आपको रूबरू कराता है। तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, आप इसे अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर बेहिचक शेयर कर सकते हैं। बिहार की सियासत में अभी जीतन राम मांझी हॉटकेक बने हुए हैं। 4 दिन पहले केंद्र सरकार ने उनकी सुरक्षा में कटौती कर दी थी, इसे लेकर मामला गर्म है। वे अंदर ही अंदर गुस्से में हैं, वे काफी घुटन महसूस कर रहे हैं। लाइव सिटीज ने कल ही एक्सक्लूसिव खबर दी थी कि सुरक्षा में कटौती को लेकर जीतन राम मांझी कोई बम फिलाट फैसला ले सकते हैं, और गुरुवार को इसके संकेत भी मिलने लगे। उन्होंने कहा कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति काफी खराब हो गई है, हत्या लूट छिनतई के मामले बढ़ गए हैं, आपराधिक घटनाओं को रोक पाने में सरकार पूरी तरह विफल साबित हो रही है, लोग दहशत में हैं। उन्होंने यह भी कहा कि लॉ एंड ऑर्डर की तरह बिहार में शराबबंदी भी फेल है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि शराबबंदी को लेकर केवल यह हल्ला हो रहा है, शराब की बिक्री को रोक पाने में सरकार सफल साबित नहीं हो रही है। बिहार में शराब की होम डिलीवरी हो रही है, शराब की आपूर्ति कुरियर से की जा रही है, इसमें यहाँ के स्टूडेंट्स का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। तस्कर छात्र छात्राओं के माध्यम से शराब की होम डिलीवरी घर घर तक करवाता है। गौरतलब है कि 4 दिन पहले जीतन राम मांझी की सुरक्षा में केंद्र ने कटौती कर दी, उनकी सुरक्षा में लगे CRPF को हटा दिया गया था। तब से ही चर्चा तेज है कि कोई बम प्लाट मतलब कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। पॉलिटिकल कॉरिडोर में हो रही चर्चा के अनुसार जीतन राम मांझी का गुरुवार को नीतीश सरकार पर बरसना इसी का संकेत माना जा रहा है। बता दें कि सुरक्षा में कटौती किए जाने के बाद मांझी का यह पहला बड़ा बयान मीडिया के सामने आया है। हालांकि अभी सरकार अथवा सत्ता पार्टी की ओर से कोई पलटवार नहीं आया है। लाइव सिटीज की रिपोर्ट। बिहार से जुड़े हर बड़े अपडेट्स के लिए बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।